नाइफ पकड़ो उसे। बाकी बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ नर्स, ये ना ये कि मौसमी भाभी को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या क्या हुआ? मौसमी को मारेगा तू? कौन है ये? बोल, किसने भेजा तुझे? बता किसने भेजा है? ऐसे नहीं बोलेगा ये, पुलिस को फोन करो। बताता है जान से मार दूं मैं तुझे। पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। बोल दूंगा कि तू मेरे घर छुरी लेकर आया था और सेल्फ डिफेंस में मैंने तेरी जान ले ली। बोल, बताता हूँ। बोल। ये बाकी क्या? बाकी क्या बोल रहे हो? मैंने भेजा था तुम्हें? नहीं, तुमने नहीं भिजवाया मुझे, लेकिन मैं तेरी वजह से ही आया हूँ। तेरी वजह से मेरा बॉस जेल में चला गया, तेरी वजह से हमारा सारा कारोबार चौपट हो गया। तभी मैंने सोचा तेरे से बदला लेने के लिए। मैं तुझे मारने भी आया था जब यहाँ पे मंडप बंधा हुआ था, लेकिन फिर सोचा ये तेरे लिए बहुत आसान मौत हो जाएगी, इसलिए मैंने मौसमी को जहर दे दिया ताकि तू फंस जाए। लेकिन तेरी किस्मत अच्छी निकली, आज भी वही अधूरा काम पूरा करने आया था। पर साली यार, फिर से तेरी किस्मत अच्छी निकली। मौसमी भाभी को जहर तूने दिया था? हाँ, जहर तूने दिया था। नक्श, तू पुलिस को फोन लगा, आज तो ये जेल जाएगा। तेरी वजह से मौसमी की ये हालत हो गई है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल रहा हूँ आगे बताना, एक गोली मार दूंगा। बोल रहा हूँ नक्ष, संभल कर। चल इधर आ, नजदीक बताना, गोली मार दूंगा। बोला ना गोली मार दूंगा, चल इधर। ए चल चल चल, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मुझे पकड़ने वाला, समझा? मार। कोई भी थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश की ना, बता रहा हूँ गोली मार दूंगा। मार, पीछे हट, गोली मार दूंगा। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो कोई। नक्ष नहीं, नक्ष नहीं। सही समझी तुम, इस सब के पीछे मेरा हाथ है। अब दीदी तो कोमा से बाहर आने से रही, एक बार जो इंसान कोमा की नींद में चला जाता है उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। इरादा तो बस ये था कि वो पकड़ा जाए और वो सबको ये बताए कि जहर की गोली उसने दीदी को दी। पर तुमने सबके दिमाग में ये बात डाली कि दीदी की इस हालत के पीछे घर का कोई है। पर अब देखो, वो डॉन पकड़ा गया और एक तरह से जिम्मेदार तुम ही निकली। तो दीदी की इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन हुआ? पाकी तुम हुई। देखा, एक तीर से दो शिकार। किसी की नफरत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी पाकी। अरे दीदी ने हमारी बात सुन तो नहीं ली, मैं तो फंस जाऊंगी। पर दीदी तो कोमा में। बाय पाकी।
जी हम सब ने उसकी शक्ल बहुत अच्छे से देखी सर, हम उसको देखते से ही पहचान लेंगे। इनफैक्ट उसने अपना गुनाह खुद ही कबूल किया था, वो किसी डॉन का आदमी था। माँ किन्नरों के लिए शगुन का सामान लेकर आई थी, मुझे लगा कि एक किन्नर कम है, इसलिए मैं दौड़कर मौसमी भाभी के कमरे में गई। मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, दीदी तो कोमा से बाहर आने से रहे। एक बार जो इंसान कोमा की नींद में चला जाता है उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी करने की क्या जरूरत थी? नफरत करते हो इसलिए पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे, लेकिन अगर इतने ही नफरत करते हो तो फिर मेरे घाव पे पट्टी लगाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी मर्जी से बंदूक की नोक पर मुझसे शादी की, तब कोई सवाल क्यों नहीं किया? और अब क्यों कर रही? और वैसे भी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझसे, क्योंकि वो हक ना तुम खो चुकी हो। जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारे दिल से मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, यही मेरी ताकत है।
विनायक, एक जरूरी बात कहने तुम सबको यहाँ बुलाया है। इस घर में कल से बहुत कुछ हो गया, और तो और मौसमी की जान पर बनाई थी, इसलिए मैंने पंडित जी से बात की। पंडित जी अपने घर की शांति के लिए पूजा करेंगे और हम सब मिलकर पूजा करेंगे ताकि घर पर आए हुए संकट दूर हो जाए। पूजा में पाखी और नक्श साथ में बैठेंगे। मुझे किसी बात की बहस नहीं चाहिए। ये परंपरा है, शादी के बाद पहली पूजा में नया जोड़ा ही जजमान होता है। आखी आ गया। परमा, मौसमी की इस हालत की जिम्मेदार पाखी है, और अब इससे ही कैसे पूजा करवा सकती है? दिख रहा, अब सवाल पूछा है तो थोड़ी समझदारी भी दिखा। अगर पाखी उस डॉन के कारण मौसमी की इस हालत की वजह बनी है, तो ये मत भूल कि डॉन से दुश्मनी भी नक्श को बचाने के लिए उसने मोल ली थी। तो क्या मौसमी की इस हालत का नक्श भी जिम्मेदार है? लेकिन बा, आ गया बाकी। चलिए पंडित जी, पूजा की तैयारी शुरू कीजिए। नहीं पाखी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैंने जो भी कुछ कहा है वो मेरी नजर से गुस्सा अपनी जगह पर है, न्याय अपनी जगह पर, और परंपरा अपनी जगह। नक्श आ गया। चलिए पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नव दंपति सर्वप्रथम अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दें, और हाथों में पुष्प लेकर अपने कुल देवता का स्मरण करें। ये क्या हो गया? अचानक दक्ष पाखी की तरह क्यों? किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए। पर क्या करें, हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। तुम्हारी हालत तो अभी भी बहुत खराब होगी ना, वो कहावत वाला हाल होगा तुम्हारा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वैसे ही तुम ना बाहू बनी ना पत्नी, कुछ नहीं बन पाई तुम। खैर छोड़, जो होना था वो हो गया। डबिंग के लिए कब तक आ रही हो? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं डबिंग पर आऊंगी? कभी नहीं। कितनी कमजोर है ना तुम्हारी याददाश्त, भूल गई वो बा का वीडियो
अभी भी मेरे पास है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उस फैमिली को तो प्यार करती ही होगी ना, और उनकी इज्जत बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। सिया, ठीक है, मैं आती हूँ डबिंग करने। तुझमें जरा भी शर्म नहीं है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तो उस गंदी औरत के लिए काम करने जाने का सोच रही है? तू मेरी बात नहीं समझ रही आई, बात ये है कि बात जो भी हो, तुम नताशा की डबिंग के लिए नहीं जाओगी। काश मैं सबको बाकी वीडियो के बारे में बता पाती, पर मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर नताशा को पता चल गया तो वो वीडियो पुलिस को दे देगी। जब तुम मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं नहीं मानता, लेकिन बात तो तुम्हें इस घर की बहू मानती है ना, और मैंने और तुम्हारी आई ने अभी तक तुम्हारी ये सिल्क के सच के बारे में ना उनको नहीं बताया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरे घर वालों का सर नीचे हो। सुनो बाकी, माँ ने मंदिर में नीचे पूजा रखी है, और ये पूजा मैं उनकी खुशी के लिए करूंगा, तुम्हारे साथ, रिमझिम के साथ नहीं। ये सब क्या है? कोई फैंसी ड्रेस चल रहा है यहाँ? मुझे देखकर तुम इतना हैरान क्यों हो गई? वो क्या है ना, अभी अभी शादी हुई है मेरी, और नई नवेली दुल्हन को कुछ दिनों तक ना ऐसे ही पहनना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, जो आग में लगा कर गई थी वो इतनी जल्दी बुझ नहीं सकती। ओ, क्या कहा तुमने? मुझे ना ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो, बोलो ना। मुझे ना एक शेर याद आया, सुनाऊं? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। वो क्या है ना कि जिसके दिल में नफरत हो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और जिसके दिल में प्यार हो सारी दुनिया उसकी हो जाती है। वैसे परसों रात मेरी शादी हो गई नक्श के साथ। कहानी बना रही हो तुम, सब नाटक है, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर सब झूठा है,